गाय का मूत्र नहीं यूज करती आप? पीते हैं गौमूत्र। गौमूत्र दर्शकों, गाय का जो मूत्र होता है उसको गौमूत्र बोला जाता है, और ये लोग पीते हैं। कब पीते हैं? हम भी पीते हैं। कब आप पीते हैं? सुबह खाली पेट में पीते हैं। खाली पेट में गोबर वगैरह? गोबर क्यों, गौमूत्र का इसमें जो नहीं, कहा जाता है दर्शकों, आपको बता दे, कहा जाता है कि जिस इंसान को कोरोना है, मतलब हम नहीं दावा कर रहे हैं, जो कुछ हिंदू धर्म को जो मानने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गोबर, गाय का गोबर यूज करने से कोरोना अगर इंसान को हुआ रहे, अगर लेप लगा ले तो कोरोना भाग जाए। क्या आप गाय का गोबर यूज किए हैं कभी? नहीं नहीं, गाय का गोबर नहीं यूज किए हैं, गौमूत्र यूज किए हैं। गौमूत्र यूज किए हैं। नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए इस वक्त मैं आ चुका हूँ बिहार के अंदर, और आप तो जानते ही हैं कि बिहार के अंदर मैं इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आया और कुछ लोगों से दर्शकों बात किया, तो ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दर्शकों, जो इंसान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पसंद करता है तो वो जिस चीज़ को मानते हैं, जो चीज़ करते हैं, वो ये भी करते होंगे, जाहिर सी बात है दर्शकों। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गजानन मंडल। तो अच्छा, ये किस विधानसभा में हम हैं इस समय? ये है पूर्णिया जिला विधानसभा, बगबनी है, बनमन की विधानसभा है ना। और यहाँ से बीजेपी विधायक, क्या नाम है बीजेपी विधायक का? कृष्ण कुमार ऋषि। अच्छा ये बताइए, आप लोग बता रहे हैं कि योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, बुलडोजर चला दे रहे हैं जो अपराधी है उनके घर पर, तो आप मतलब योगी को पसंद करते हैं आप लोग? हाँ हाँ, योगी को पसंद। आप भी पसंद करते हैं? हाँ, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ट्विंकल कुमार। योगी को पसंद करते हैं? बहुत अच्छे। योगी के सारे कामों को पसंद कर रहे हैं? हाँ हाँ, उनके सारे। अच्छा ये बताइए, ये कहा जाता है कि जिस तरह से कि जो गाय है, गौ माता होती है, हमारे हिंदू धर्म में लोग कहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि जो गौ माता का जो गौमूत्र होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है, समझ रहे हैं। तो क्या वो लाभदायक होता है? हाँ, बहुत सा। आप पीते हैं? हम पीते हैं। अच्छा, कब पीते हैं गौमूत्र? गौमूत्र दर्शकों, गाय का जो मूत्र होता है उसको गौमूत्र बोला जाता है, और ये लोग पीते हैं, कब पीते हैं गौमूत्र आप? हम लोग सुबह में जो है पीते हैं, जैसे कभी कभी तबीयत खराब होता है, पेट का या कोई प्रॉब्लम होता है, उनमें पीते हैं, तो हम लोग को बहुत फायदा होता है उनसे। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सी गाय का पीते हैं? देसी गाय? देसी गाय का जो बछड़ा बाछी जो होता है, वो हाँ, उनका सुबह सुबह हम लोग अच्छा, पीते अच्छा, खाली। अच्छा अच्छा, आप भी पीते हैं? हम भी पीते हैं। कब आप पीते हैं? सुबह खाली पेट में पीते हैं। खाली पेट में गोबर वगैरह? गोबर क्यों, गौमूत्र का इसमें जो है, कहा जाता है को आपको बता दे, कहा जाता है कि जिस इंसान को कोरोना है, मतलब हम नहीं दावा कर रहे हैं, जो कुछ हिंदू धर्म को जो मानने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गोबर, गाय का गोबर यूज करने से कोरोना अगर इंसान को हुआ रहे, अगर लेप लगा ले तो कोरोना भाग जाए। क्या आप गाय का गोबर यूज किए हैं कभी? नहीं नहीं, गाय का गोबर नहीं यूज किए हैं, गौमूत्र यूज किए हैं। गौमूत्र यूज किए हैं जी? घर के हम लोग पीते हैं। गौमूत्र पीते हैं? सुबह सुबह पीते हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश महतो। सुबह सुबह हम लोग जयप्रकाश महतो नाम है आपका जी? अच्छा अच्छा। सुबह सुबह गौमूत्र पीने का सलाह आपको किसने दिया था? गौमूत्र पीने का हमारा माँ बाप सलाह दिया था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। उससे हमको कब से पी रहे हैं गौमूत्र आप? बहुत, हम अपने बच्चे को पिलाते हैं। बच्चे को भी पिलाते हैं? बच्चे को पिलाते। विज्ञान तो ये दावा करता है, कहीं ना कहीं कुछ है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो दावा करते हैं कि गौमूत्र में कीटाणु पाए जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं। गलत पाए जाते? गलत बात है। कौन से गाय का मूत्र पीते हैं? देसी या हरियाणवी? देसी का पीते हैं। हाँ, देसी का पीते हैं हम लोग, बछिया का। अच्छा, वो जो कि शुद्ध माना जाता है, हम लोग शुद्ध मानते हैं उनको। अच्छा अच्छा। गोबर यूज करते हैं? गोबर यूज करते हैं, शरीर में नहीं लगाते हैं, अलग से वो
आंगन घर जो है, अच्छा अच्छा उसमें घर आंगन तो जाहिर सी बात है सारे हिंदू यूज करते हैं, घर आंगन में गाय का गोबर लीप लीप पोत करते हैं। और लोग यहाँ पर हैं उनसे पूछते हैं क्या ये गौमूत्र यूज करते, क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम भोला ऋषिदेव हुआ है। भोला ऋषिदेव, तो गाय का मूत्र यूज करते हैं आप? हाँ, गाय का मूत्र नहीं घर से, गौमूत्र गौमूत्र हमको पते नहीं, हम क्या बोलेंगे? अरे इनको बताइए, नहीं पता है। बाछी के पिस, बाछी का जो पिशाब होता है गौमूत्र, सुनाई नहीं दे रहा है ये, जान लीजिए इनको सुनाई नहीं दे रहा है ये। जान लीजिए दर्शकों, हम यहाँ पर आए तो ये लोग योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे, तो मैं सोचा कि जब योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जो करते हैं क्या ये भी करते हैं, पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति और हैं बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? शिव नारायण मंडल। तो अच्छा ये बताइए, क्या गाय का मूत्र यूज करने से रोग जो है शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं? हो होता है, कृमि उर्मी सब शरीर के अंदर सही हो जाता है सर? हाँ हाँ सब सही। आप यूज करते हैं? कभी कभी करते हैं हम, कभी कभी यूज करते हैं। गाय का गोबर? गाय का गोबर तो ऐसे हम लोग उठाते हैं जाके खेत में डाल देते हैं। गाय का गोबर का लेप नहीं लगाते? नहीं नहीं, गोबर लेप नहीं लगाते। अच्छा, महिलाएं भी गौमूत्र यूज करती हैं? आइए दर्शकों पूछ लेते हैं, यहाँ पर दादी जी लोग हैं, दादी जी लोगों से पूछते हैं कि क्या, नहीं नहीं पूछना जरूरी है ना। दादी कैसी है आप? हम नहीं जानना चाहते। आप नहीं जानती? नहीं, हम नहीं जानती। गाय का मूत्र नहीं यूज करती आप? देख लीजिए दर्शकों, दादी लोग कह रही हैं कि हम नहीं जानते ये सब मामलों में, लेकिन हाँ पुरुष लोग इस मामले में अच्छे से जानते हैं और बता रहे हैं। और एक व्यक्ति यहाँ पर और है, उनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं कि क्या वो जिस तरह से आयुर्वेद में बताया जाता है, आयुर्वेद हमारा आयुर्वेद बहुत ही पुराना इलाज करने का एक साधन था, समझ रहे हैं ये? तो क्या नाम है आपका? बीरबल कुमार पोदार। आप यहीं से हैं? नहीं, आगे कौन से? बिहार से ही हैं आप ना? हाँ हाँ। तो योगी को आप भी पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। तो क्या गौमूत्र यूज करते हैं आप? करते हैं। यूज करते हैं? हाँ। गाय का गोबर का लेप लगाते हैं शरीर में? नहीं नहीं लगाते। नहीं, हंस कह रहे बच्चों तुम लोग? ये दर्शकों देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे है, ये लोग हंस रहे हैं जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग हंसते हैं, जैसे बच्चे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं गाय का मूत्र यूज करते हैं, बच्चे हंस रहे हैं, तो क्या ये हंसी वाली बात है? ये हंसी वाली बात उनके समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए हंस रहे हैं। उनको पता ही नहीं आयुर्वेद क्या है ना, क्या है। हाँ। तो अच्छा क्या कहना चाहेंगे, जो लोग यूज करना चाहें उनको किस तरह का सलाह देना चाहेंगे आप? हम लोग तो यूज कर रहे हैं। आप यूज कर रहे हैं, बच्चों को भी यूज कराते हैं? जब जरूरत पड़ते हैं तो उनको यूज करते हैं हम लोग। क्या सलाह देना चाहेंगे और लोग जो वीडियो देख रहे हैं, क्या उनको भी यूज करना चाहिए? अब तो वो लोग खुद बताएंगे ना इस चीज को, हम लोग तो लेकिन करते हैं, जब उनको विश्वास है तो कर सकते हैं। अच्छा, किस किस मर्ज में काम आता है गाय का मूत्र? जैसे पेट में कोई कीटाणु सब हो जाता है, पेट में कीड़े और यही सब गैस हो, गैस बनाया तब भी गाय का मूत्र पीने से सही हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। थोड़ा फुंसी भी पेट शरीर में आ जाता है, मतलब तीतापन होता है उससे हो जाता है सही। अच्छा अच्छा, ये जान लीजिए दर्शकों, इनका कहना ये है कि मर्ज जो है शरीर के अंदर वो सही हो जाता है, पेट के अंदर कीटाणु मर जाता है। इस पर हम तो दावा नहीं करते, ना ही हमने कभी यूज किया है। दर्शकों ये यूज कर रहे हैं तो ये अपना बताते हैं, समझ रहे हैं। और बाकी आप क्या यूज करते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा दर्शकों। नमस्कार।